नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुर और आज हम बात करने वाले हैं एक होटल के फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का, फ्रंट डेस्क एजेंट का काम क्या होता है। सो चलिए जानते हैं। होटल में जो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव होता है वो एक बहुत ही डायनामिक पोजिशन है। इस पोजीशन में आपको बहुत सारे विजिटर्स को हैंडल करना है, गेस्ट को हैंडल करना है। होटल का चेहरा एक तरह से आप हो, होटल में कोई एंटर करे वैसे ही फ्रंट डेस्क पे आप उन्हें ग्रीट करने वाले हैं। तो आपका काम क्या है ये जानने से पहले आप याद रखिए मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जानिए कि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं आपके करियर के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँ। ये एक सवाल अक्सर काफ़ी लोग पूछते हैं कि होटल का जो फ्रंट डेस्क होता है उसके ओपनिंग क्या सिर्फ महिलाओं के लिए होते हैं या पुरुष भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सरल जवाब ये है कि मेन एंड वुमेन बोथ आर इनवाइटेड। आप जो जॉब पोस्टिंग है उसमें पढ़िए, कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि ये ओपनिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है, लेकिन होटल के फ्रंट डेस्क में, बड़े से बड़े होटल में, इंडिया में भी और इंटरनेशनली जो है, मेन और वुमेन दोनों होते हैं, महिला और पुरुष दोनों होते हैं फ्रंट डेस्क में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर जेंडर के लिए ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग जो है सबके लिए अवेलेबल है। जो होटल का फ्रंट डेस्क होता है वो पूरे 24 घंटे काम करता है, राउंड द क्लॉक काम करना पड़ता है होटल के फ्रंट डेस्क को, क्योंकि गेस्ट आते रहते हैं, गेस्ट का चेकआउट कभी लेट नाइट हो सकते हैं। तो होटल जो होता है उन्हें 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए अपने कस्टमर्स को, गेस्ट को रिसीव करने के लिए। तो इस जॉब में ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट इन्वॉल्व्ड है। तो बहुत ही कम ऐसे होटल्स होंगे जहाँ पे आप बिना नाइट शिफ्ट के ये ड्यूटी कर पाएंगे। तो आपको इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा कि आप नाइट शिफ्ट काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इस काम में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है चेक इन और चेकआउट में। चेक इन जो होता है उसका एक सिंगल टाइम होता है होटल्स में, या तो 12 बजे या 2 बजे ज़्यादातर। तो उसमें बहुत सारे लोग उस टाइम पे चेक इन करने की कोशिश करते हैं। कई लोग सुबह आपसे आके पूछेंगे कि क्या वो जल्दी चेक इन कर सकते हैं। इसी तरह चेकआउट जो होता है उसका भी एक टाइम होता है। तो काफ़ी बार फ्रंट डेस्क को फॉलो अप करना पड़ता है गेस्ट के साथ कि आपका चेकआउट का टाइम हो गया है। गेस्ट कई बार लेट चेकआउट के लिए, कि उन्हें थोड़ा चेकआउट अपना लेट करना है, उसके लिए फ्रंट डेस्क से रिक्वेस्ट करते हैं। काफ़ी सारे बिजनेस ट्रैवलर्स होते हैं जिनको कोई फ्लाइट पकड़नी होती है या ट्रेन पकड़नी होती है, तो उनको जो है अपना चेकआउट जो है फटाफट करके निकलना होता है। तो फ्रंट डेस्क पे बहुत सारा प्रेशर होता है चेक इन और चेकआउट को मैनेज करने के लिए, स्पेशली जब कोई इवेंट हो, कोई शादी हो रही हो और बहुत सारे लोग एक साथ आ गए चेक इन करने के लिए, तब तो एकदम ही प्रेशर होता है। तो ये काम जो है इसमें फटाफट कंप्यूटर सिस्टम्स को समझना, जो होटल के चेक इन सिस्टम है, गेस्ट के आईडी प्रूफ वगैरह लेना और जो भी प्रोसेस है उसे जल्दी से पूरा करके गेस्ट को चेक इन करवाना, ये काम, और इसी तरह चेकआउट करवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो आपकी स्पीड रहेगी, जो आप पे प्रेशर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जो गेस्ट होटल में रहते हैं वो अभी कई बार कॉल करते हैं फ्रंट डेस्क पे अलग अलग चीज़ें पूछने के लिए, अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए। कई बार आपको जो है उनके कॉल डिवर्ट करने होते हैं, पास करने होते हैं अलग डिपार्टमेंट में। जैसे कई बार रूम सर्विस का, किसी को अपने रूम में कुछ खाना ऑर्डर करना है, उसके लिए वो फ़ोन लगा देते हैं फ्रंट डेस्क में, तो आपको उन्हें ग्रीट करना है, उनका क्वेरी समझना है, और हो सकता है कॉल को फॉरवर्ड करना है किसी और डिपार्टमेंट में होटल के अंदर ही। तो आपको अपने होटल के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, जो भी सर्विसेज है, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये कॉल्स आपको हैंडल करने हैं, और इसी के साथ साथ ऐसा हो सकता है आप कॉल्स हैंडल कर रहे हो और इन पर्सन काउंटर पे भी कोई कस्टमर आया हुआ है। तो ये काम काफ़ी, इसलिए मैंने कहा, डायनामिक हो जाता है, जहां आपको बहुत सारे लोगों को, चीज़ों को एक साथ मैनेज करना होता है। आप इस रोल में होटल का चेहरा हो, आप वो पहला कॉन्टैक्ट हो जो कोई भी विजिटर देखेगा होटल में आने के बाद। होटल में क्या हो रहा है उसका आपको एक बेसिक व्यू रहता है आपके फ्रंट डेस्क से। तो कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी आपको लगे, कि कोई परेशानी होने वाली है, कुछ गड़बड़ हो रही है, या फिर कोई गेस्ट नाराज होने वाला है क्योंकि कुछ गड़बड़ है, या कोई और अपना काम सही से नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों पे आपकी पहली नज़र होती है। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एक बेसिक विजिलेंस रखें, आप सतर्क रहे जब ये रोल कर रहे हैं, आप जब काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसा आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो अपने मैनेजर को तुरंत रिपोर्ट करें या खुद जाके उस सिचुएशन को आप हैंडल करें।
जो गेस्ट आते हैं होटल में, होटल्स उन गेस्ट के कंफर्ट के लिए, उन गेस्ट को पूरा आराम मिले, वो शांतिपूर्वक अपना स्टे पूरा कर सके, इसलिए होटल बहुत ज़्यादा फोकस देती है। तो आपका एक तरह से काम ये है कि गेस्ट जो है उन्हें कोई दिक्कत ना है, इसे इंश्योर करना है। हो सकता है गेस्ट को मिलने के लिए कोई विजिटर आए हैं, या कोई विजिटर आके आपसे किसी गेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको गेस्ट का इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगी। आपको गेस्ट से पूछ के किसी विजिटर को उनके तरफ भेजना है या उन्हें इन्फॉर्म करना है कि कोई विजिटर उन्हें मिलना आया है। तो ये सब जो कोऑर्डिनेशन है, ये सब आपको करना पड़ेगा। आपको गेस्ट के प्राइवेसी और कंफर्ट का ध्यान देना है। अब तक आप समझ चुके होंगे, इस रोल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इस पे इस पूरे इंटरव्यू में आपको जो है इवैल्यूएट किया जाएगा इस जॉब के लिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज में मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी 3, 4 या 5 स्टार होटल में जा रहे हो, तो कोई भी एक लोकल लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो, उसके साथ आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। जितना बड़ा होटल उतना आपका इंग्लिश जो है वो साफ होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए कि आप जो है गेस्ट से, बिजनेस गेस्ट हो या फॉरेन गेस्ट हो, उनसे अच्छे से बात कर सके। इसी के साथ अगर आप और भी लैंग्वेजेस जानते हैं, जैसे कि आप और लोकल लैंग्वेजेस जानते हो इंडिया के ही, तो उससे भी आपकी मदद होगी। अगर आप बहुत ही हाई एंड होटल में जा रहे हो, 5 स्टार में जा रहे हो, तो अगर आप और भी अगर कोई फॉरेन लैंग्वेजेस जानते हो, जैसे कि फ्रेंच, स्पैनिश और चाइनीज़, मैं मानता हूँ ये लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनकी जानकारी रखते हो भले ही वो थोड़ी सी भी हो, तो फॉरेन से आने वाले गेस्ट जो ये लैंग्वेज में बात करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट दे पाएंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। लेकिन इंग्लिश और हिंदी या इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज जो आपके स्टेट का हो इंडिया में, वो आपको आता है तो वो काफ़ी है। इस जॉब में कुछ हद तक क्योंकि आप होटल का चेहरा हो, आपके लुक्स थोड़े से मैटर करते हैं, आपका ग्रूमिंग जो है, आपकी फिजिकल फिटनेस जो है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो होटल का फ्रंट डेस्क होता है वहाँ पे आपको काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो फिजिकल फिटनेस इसीलिए भी ज़रूरी होती है। तो आपको ये सारी चीज़ों के लिए तैयार रहना है। आप जब इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या इवैल्यूएट कर रहे हो क्या ये जॉब आपके लिए है, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। टूरिज्म और बिजनेस ट्रैवल दोनों ही बढ़ रहा है इंडिया में, फॉरेन ट्रैवलर्स भी इंडिया में हर साल बढ़ रहे हैं और ये ट्रेंड चलता ही रहेगा। तो इस सेक्टर में ओवरऑल मैं मानता हूँ कि जॉब्स मेंटेन रहेंगे, तो आप इसको एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको किस बात की देर है।